नमस्कार दोस्तों, मैं के विश्वकर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीवी ऑनलाइन एसडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि यहां पे हम लोग रेलवे भर्ती से रिलेटेड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो भी दोस्तों आपको बता दूं कि YCT जनरल साइंस 2024 को बुक का हम लोग संपूर्ण सोल्यूशन कर रहे हैं। दोस्तों, इस बुक में सबसे पहले हम लोग जो पढ़ रहे हैं दोस्तों वो बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, यानी कि जीव विज्ञान। जीव विज्ञान का दोस्तों आज ये हम लोग पार्ट 5 पढ़ेंगे और इस पार्ट में टोटल दोस्तों हम लोग 261 नंबर से लेकर के 330 नंबर तक के क्वेश्चनों को बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से हल करना सीखेंगे। और दोस्तों आपको बता दूं कि इस चैप्टर में आज हम दो अध्याय के बारे में पढ़ेंगे। एक तो दोस्तों जैव अणु यानी इसके अंतर्गत लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल के बारे में हम लोग जानेंगे। दूसरा दोस्तों हम लोग आनुवांशिकी के रूप में जानेंगे। इन दो अध्यायों के बीच में दोस्तों हम टोटल 261 नंबर से लेकर के 330 नंबर तक के क्वेश्चनों को बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से हल करना सीखेंगे। दोस्तों आपको बता दूं कि अगर आप दोस्तों आपको ये वीडियो और ये सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और साथ में दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको बता दूं कि आने वाले रेलवे से रिलेटेड जो भी एग्जाम होने वाले हैं उन सभी के लिए ये वीडियो और ये सीरीज हमारी बेहद ही महत्वपूर्ण एवं रामबाण साबित होगा। दोस्तों महत्वपूर्ण इस बात के लिए होगा कि रेलवे ने पिछले कुछ वर्षों में जितने भी एग्जाम करवाए हैं उन्हीं सारे एग्जामों में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को दोस्तों यहाँ पे हम लोग अध्यायवार अध्याय पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आने वाले एग्जामों के लिए ये वीडियो और ये सीरीज हमारी बेहद ही महत्वपूर्ण होगी। दोस्तों अगर आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो आप हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जुड़ सकते हैं। और दोस्तों आपको बता दूं कि ग्रुप में जुड़ने से आपको कई सारे बेनिफिट मिलेंगे। बेनिफिट इस बात के लिए मिलेंगे दोस्तों आपको बता दूं कि पर डे यानी डे बाय डे का वहां पे हमारे ग्रुप पे करंट अफेयर अपडेट किया जाता है, तो साथ में दोस्तों आप लोग अपनी हर रोज का करंट अफेयर भी अपडेट करते चलिएगा। इसके साथ साथ दोस्तों आपको बता दूं कि ये यहाँ पे जितने भी ये क्लास नोट्स में पढ़ाया जाता है दोस्तों, इन क्लास नोट्स का PDF हल सहित आपको ग्रुप पे दे दिया जाता है। इसके साथ साथ दोस्तों आपको बता दूं कि इन सबके अलावा दोस्तों आपको किसी भी प्रकार की कोई भी बुक अगर चाहिए तो आपको उन सभी बुकों का फ्री ऑफ कॉस्ट PDF भी वहां पे ग्रुप में दे दिया जाता है। तो दोस्तों आप हमारे चैनल से और साथ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि दोस्तों आने वाले एग्जामों के लिए ये सब आपके लिए ज्यादा ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा हमारा ये रहा। दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे जो हम अध्याय पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों जैव अणु के बारे में, दोस्तों हम लोग लिपिड और प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा पहला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, कहा गया कि निम्न में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन का विखंडन करता है। देखिए करा कौन सा एंजाइम जो है प्रोटीन का विखंडन करता है, तो आप सभी को पता होगा कि कौन सा एंजाइम प्रोटीन को विखंडन करता है। लाइपेज हो गया, एमाइलेज हो गया, टाइलिन हो गया या पेप्सिन हो गया। तो पेप्सिन जो दोस्तों हमारा होता है वही हमारा प्रोटीन को क्या करता है, विखंडित करता है। यानी कि 261 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। तो अब दोस्तों आपको बता दूं कि ये जो प्रोटीन जो मतलब हमारा प्रोटीन को विखंडित करने वाला जो हमारा ये हो गया एंजाइम पेप्सिन हो गया, तो ये दोस्तों क्या होता है कि ये सरल पदार्थों में परावर्तित कर देता है। ये पेप्सिन एंजाइम जो होता है प्रोटीन को विखंडित करके सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देता है, और यह आमाशय से निकलने वाले जठर रस में पाया जाता है। देखिए अगर इसको लिखेंगे पेप्सिन कहां पे पाया जाता है, देखिए यह आमाशय से, यहां पे लिख दीजिएगा आमाशय से, या आमाशय से निकलने वाले जठर रस, या निकलने आगे लिख दीजिएगा निकलने वाले जठर रस, निकलने वाले आगे दोस्तों लिखेंगे जठर और फिर आगे लिख दीजिएगा रस, निकलने वाले जठर रस में पाया जाता है, में आगे दोस्तों लिख दीजिएगा पाया और आगे लिख दीजिएगा जाता है। तो ये बात हो गई दोस्तों और ये इसका मुख्य फैक्ट हो गया। चलिए आगे दोस्तों देख लीजिएगा दूसरा क्वेश्चन, और यहाँ पे हमारा दिया गया है, इस पे कहा गया है कि किस एंजाइम को पाचन प्रक्रिया में अपना कार्य करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति की आवश्यकता होती है। करा कौन से एंजाइम को पाचन प्रक्रिया में अपना कार्य करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति की आवश्यकता होती है।
तो ए माइलेज की आवश्यकता होती है, लाइपेज की होती है, ट्रिप्सिन की होती है, या फिर दोस्तों पेप्सिन की होती है। तो 262 का दोस्तों आपको बता दूं कि किस एंजाइम के पाचन प्रक्रिया में अपना कार्य करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति की आवश्यकता होती है, वही जो आप पीछे आप पढ़े हैं दोस्तों पेप्सिन की आवश्यकता होती है। यानी कि 262 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये बात आपको दोस्तों कंफर्म हो गई। आपको दोस्तों बता दूं कि पेप्सिन एंजाइम जो होता है पाचन क्रिया में अपना कार्य करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति की आवश्यकता होती है, किसकी, पेप्सिन की। और पेप्सिन एंजाइम जो होता है भोजन में पाए जाने वाले प्रोटीन का पाचन करता है, ये भोजन में जो पाया जाता प्रोटीन उसी का ये पाचन करता है, पेप्सिन एंजाइम, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, यहां से हमारा 262 का डी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। और आगे दोस्तों आ जाइए और आगे देख लीजिएगा, यहां पे दिया गया है, इस पे कहा गया है कि 263 नंबर पे कह रहा है जीवों में प्रोटीन निर्माण के लिए सूचना स्रोत क्या है। देखिए राइबोसोम है, केंद्रक है, डीएनए है, या फिर दोस्तों गुणसूत्र है। तो यहां पे इसने बताया जीवों में प्रोटीन निर्माण के लिए सूचना स्रोत क्या है। तो देखिए राइबोसोम होगा, केंद्रक होगा, डीएनए होगा, या गुणसूत्र होगा। तो सभी लोगों को पता, अगर थोड़ा सा आप ध्यान से समझेंगे या सुनेंगे तो आपको कंफर्म ये बात क्लियर हो जाएगी। यहां पे बताया गया कि जीवों में प्रोटीन निर्माण के लिए सूचना स्रोत क्या है, तो ये है दोस्तों हमारा डीएनए है। डीएनए दिया गया है दोस्तों देख लीजिएगा सी ऑप्शन पे। तो कुल मिलाकर के दोस्तों यहाँ पे 263 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। तो आपको दोस्तों बता दूं कि जीवों में प्रोटीन निर्माण के लिए सूचना स्रोत जो होता है वो डीएनए होता है। डीएनए का अगर पूरा नाम अगर आप जानेंगे तो डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। ये क्या होता है दोस्तों, जीवित कोशिका के लिए अनिवार्य है जो इन कोशिकाओं के गुणसूत्रों में पाया जाता है। देखिए जैसे लोग हम डीएनए कह रहे हैं दोस्तों, तो डी और एन और ए, इसका पूरा नाम होता है दोस्तों क्या होता है, डी ऑक्सी, यहां पे आप लिख दीजिएगा डी और फिर आगे लिखेंगे दोस्तों ऑक्सी, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, यहां पे लिख दीजिएगा राइबो न्यूक्लिक एसिड, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक, आगे लिख दीजिएगा दोस्तों एसिड। तो ये बातें हो गई दोस्तों इससे रिलेटेड। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, डीएनए का फुल नेम हो गया ये। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, 263 के बाद हम लोग देखेंगे 264 नंबर। और यहाँ पे कहा गया है कि डाट डाट वसा के पायसीकरण में सहायक होता है। देखिए वसा के पायसीकरण में सहायक होता है, क्या सहायक होता है दोस्तों, HCl, विटामिन के ट्रिप्सिन, या पेप्सिन, या पित्त लवण। तो दोस्तों आपको बता दूं कि मतलब डाट डाट वसा के पायसीकरण में सहायक होता है, तो ये हो जाएगा दोस्तों पित्त लवण जो होता है यही वसा के पायसीकरण में सहायक होता है। पित्त लवण दोस्तों देख लीजिएगा डी ऑप्शन पे लिया गया है। तो 264 का विकल्प नंबर हमारा डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो पित्त लवण जो हो जाएगा वसा के पायसीकरण में सहायक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग जानेंगे दोस्तों यहाँ पे 264 के बाद दोस्तों 265 नंबर। और यहाँ पे हमारा दिया गया है, कहा गया कि इनमें से कौन सा एंजाइम स्टार्च को सरल शर्करा में विखंडित करता है। कह रहा फिर समझिएगा, इसमें कह रहा इनमें से कौन सा एंजाइम स्टार्च को सरल शर्करा में विखंडित करता है। देखिए पेप्सिन हो जाएगा, लाइपेज हो जाएगा, एमाइलेज हो जाएगा, या फिर दोस्तों ट्रिप्सिन हो जाएगा। तो दोस्तों आपको बता दूं इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि कह रहा एंजाइम, देखिए कौन सा एंजाइम स्टार्च को सरल शर्करा में विखंडित करता है, तो वो हो जाएगा दोस्तों एमाइलेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देखिए एंजाइम स्टार्च को सरल शर्करा में विखंडित करने वाला हो जाएगा एमाइलेज। यानी कि 265 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अब दोस्तों आपको बता दूं जो पेप्सिन होता है, देखिए पेप्सिन एंजाइम जो यहाँ पे लिखा नंबर ए में, पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन पाचक एंजाइम होता है। पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन पाचक एंजाइम होता है। और लाइपेज एंजाइम जो देखिए सेकंड नंबर पे, अगर बी नंबर पे देखेंगे तो जो लाइपेज होता है ये क्या होता है, लाइपेज से हम करते हैं दोस्तों वसा पाचक एंजाइम होता है। ये क्या होता है, वसा पाचक एंजाइम होता है। और एमाइलेज तो आपने जान लिया दोस्तों, एमाइलेज जो होता है हमारा एंजाइम स्टार्च को सरल शर्करा में विखंडित करता है। और बात आती है दोस्तों और हमारे ट्रिप्सिन की, तो ट्रिप्सिन होता है एंजाइम का श्रावण अग्नाशय द्वारा होता है, यह भी प्रोटीन पाचक एंजाइम होता है। यह क्या होता है, यह भी प्रोटीन पाचक एंजाइम हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के दोस्तों यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का,
यहाँ पे 265 का हमारा विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा, 265 के बाद अगर देखेंगे दोस्तों 266 नंबर, और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा हमारा क्या दिया गया है। इस पे कहा गया है कि प्रोटीनों के अमीनो अम्लों में जटिल कार्बोहाइड्रेटों के ग्लूकोज में और वसा के वसा अम्लों और ग्लिसराल में अंतिम रूपांतरण के लिए जिम्मेदार एंजाइम डॉट डॉट में उपस्थिति होता है। देखिए उपस्थित होते हैं या होता है, बात वही चीजें हैं। फिर से एक बार समझ लीजिए, इसमें यह कहने का मतलब इस क्वेश्चन में कि कह रहा प्रोटीनों के अमीनो अम्लों में जटिल कार्बोहाइड्रेट के ग्लूकोज में और वसा के वसा अम्लों और ग्लिसरॉल में अंतिम रूपांतरण के लिए जिम्मेदार एंजाइम डॉट डॉट में उपस्थित होते हैं। देखिए पित्तरस में उपस्थित होते हैं, आंत्र रस में उपस्थित होते हैं, जठर रस में उपस्थित होते हैं या अग्नाशयी रस में उपस्थित होते हैं। तो 266 का अगर दोस्तों देखा जाएगा तो यहाँ पे आपको बता दूं दोस्तों बी विकल्प में जो मौजूद है हमारा आंत्र रस, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। 266 का विकल्प नंबर हमारा बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, 266 के बाद अगर दोस्तों देखेंगे हमारा 267 नंबर, और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा हमारा क्या दिया गया है। इस पे एक बीकर बना हुआ है, और देखिये पहले इसके बारे में पढ़िएगा फिर मैं आपको समझाता हूँ इसके बारे में। देखिए यहाँ पे कहा गया कि नीचे दिए गए चित्र का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। ठीक है भाई, हम ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लेंगे। अब आगे कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीले काले रंग की उपस्थिति के कारण की सही व्याख्या करता है। देखिए नीले काले रंग की उपस्थिति के कारण की सही व्याख्या करता है, तो देखिए यहाँ पे इसने क्या डाला जा रहा है, ये आलू का रस इसमें भरा हुआ है और ऊपर से आयोडीन डाला जा रहा है, और नीला काला हो जाना। देखिए आलू का रस का जो क्या करा, जब आयोडीन डाला जाता है तो करा वो नीला काला रंग में परिवर्तित हो जाएगा। तो देखिए इसमें कहने के इसके मतलब चार विकल्प दिए गए हैं, करा इस विकल्प का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमको यहाँ से जानकारी करके बतानी है। चलिए यहाँ पे अगर देखेंगे तो कहा गया कि आलू के रस में प्रोटीन होता है जो आयोडीन मिलाने पर नीला काला हो जाता है, तो ये जो दोस्तों है ये बात इसने सही नहीं कही, ये गलत होता, आलू के रस में प्रोटीन नहीं होता है। चलिए आगे देख लेते हैं, आलू के रस में वसा होता है, आयोडीन मिलाने पर नीली काली हो जाती है। आलू के रस में दोस्तों ना तो प्रोटीन पाया जाता है, ना ही वसा पाया जाता है, ना ही ग्लूकोज पाया जाता है, बल्कि पाया क्या जाता है दोस्तों आपको बता दूं कि आलू के रस में दोस्तों स्टार्च पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों, स्टार्च पाया जाता है। देख लीजिएगा ऐसे ऑप्शन कहां दिया गया, अगला दिया गया आलू के रस में ग्लूकोज होता तो ये भी नहीं हो जाएगा, फिर कह रहा आलू के रस में स्टार्च होता है, तो यही हमारा विकल्प नंबर जो डी दिया गया है यही इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि आलू मुख्य रूप से क्या होता है, इसमें स्टार्च पाया जाता है आलू के रसों में, ठीक है ना। और दोस्तों आपको बता दूं कि एक खाद्य सामग्री है जो कि दोस्तों बहुतायत तरीके से यूज किया जाता है, आलू को हम लोग नए नए तरीकों से इसको खाने का प्रयोग करते हैं। तो कुल मिलाकर दोस्तों आपको ये बात पता हो गई कि आलू के रस में ना तो प्रोटीन पाया जाता है, ना ही वसा पाया जाता है, ना तो ग्लूकोज पाया जाता, बल्कि क्या पाया जाता है दोस्तों, स्टार्च पाया जाता है। यानी कि 267 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और इसी की उपस्थिति में दोस्तों जब आयोडीन मिलाया जाता है तो नीला काला इसका कलर हो जाता है। चलिए अगला दोस्तों देख लीजिएगा 268 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है। देखिए ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र अगर बात किया जाए तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, विकल्प हमारे चार मौजूद है, चार विकल्पों में से अगर देखा जाएगा तो 268 का आपको यहाँ पे जो विकल्प हो जाएगा सी विकल्प हो जाएगा, यानी कि C6H12 और O6 जो ये होता है ये ग्लूकोज का हमारा क्या हो जाएगा, यानी कि ये ग्लूकोज का हमारा सूत्र हो जाएगा, कौन सा रासायनिक सूत्र हो जाएगा, C6 और फिर आगे हमारा दिया गया है H12 और दिया गया है O6, यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 268 के बाद दोस्तों लोग देखेंगे 269 नंबर, और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है, इस पे कहा गया कि प्रोटीनों के अमीनो अम्लों में जटिल कार्बोहाइड्रेट के ग्लूकोज में और वसा के वसा अम्लों पर ग्लिसराल में अंतिम रूपांतरण के लिए जिम्मेदार एंजाइम डॉट डॉट में उपस्थित होते हैं। देखिए जठर रस में उपस्थित होते हैं, पित्त रस में उपस्थित होते हैं, या अग्नाशयी रस में उपस्थित होते हैं, या फिर दोस्तों आंत्र रस में उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पे कुल मिलाकर के दोस्तों आपको बता दूं कि आंत्र रस में उपस्थित होते हैं विकल्प नंबर हमारा 269 का,
यहाँ पे डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। तो आपको पता हो गया कि ये कहाँ पे उपस्थित होते हैं दोस्तों, आंत्र रस में, यानी कि आंत्र रस में उपस्थित हो जाएंगे। तो 269 का हमारा विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। और अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे कहा है कि केसीन एक प्रोटीन है जो डाट डाट में पाया जाता है, मांस में, गाजर में, सोयाबीन में या फिर दोस्तों दूध में। हर किसी को पता होगा दोस्तों, आपको बता दूं जो केसीन पाया जाता है ये एक प्रोटीन है, ये कहाँ पे पाया जाता है दोस्तों, दूध में पाया जाता है। तो 270 का देखेंगे तो विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट और परफेक्ट आंसर हमारा बन जाएगा। चलिए अब दोस्तों आपको बता दूं कि दूध का सफेद रंग केसीन नामक प्रोटीन उपस्थिति के कारण होता है, यानी कि जो दूध का सफेद रंग होता है, यहाँ पे अगर मैं लिख दूं, देखिए दूध का जो सफेद रंग होता है, दूध का सफेद रंग यही केसीन नामक प्रोटीन के कारण होता है। केसीन, आगे दोस्तों लिख दीजिएगा, केसीन नामक प्रोटीन के कारण होता है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रोटीन के कारण होता है, कारण आगे लिख दीजिएगा दोस्तों, होता है। तो ये इससे रिलेटेड इसका फैक्ट हो गया। और अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा हमारा ये रहा दोस्तों, यहाँ पे हमारा 271 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया, कहा गया कि मानव शरीर की ऊर्जा आवश्यकताओं के मापन हेतु किस मापन इकाई का प्रयोग किया जाता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, कैलोरी, अर्ग, ओम और जूल। तो दोस्तों आपको बता दूं कि मानव शरीर की जो ऊर्जा की आवश्यकताओं का मापन किया जाता है वो दोस्तों कैलोरी के अकॉर्डिंग हम लोग मापन करते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिएगा विकल्प नंबर ए पे मौजूद है, यानी कि कुल मिलाकर के 271 का अगर देखेंगे तो विकल्प नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। अब दोस्तों आपको मैं बता दूं कि यह मापन की मीटरी पद्धति का अंग है और इसके संगत एसआई प्रणाली में अब जूल का प्रयोग किया जाता है, किंतु भोजन निहित ऊर्जा तथा कुछ अन्य उपयोगों में अब भी कैलोरी का ही प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों आपको कंफर्म हो गया कि मानव शरीर की जो ऊर्जा होती है उसको हम कैलोरी में मापते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा, 271 के बाद दोस्तों हम लोग 272 नंबर पे देखेंगे। और यहाँ पे कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जैविक उत्प्रेरक है, एंजाइम, खनिज, हार्मोन और विकिरण। तो 272 का अगर दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए जो दिया गया है, एंजाइम, ये हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों देख लीजिएगा, 272 का विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैविक उत्प्रेरक है, तो दोस्तों वो है हमारा एंजाइम, यानी कि 272 का विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एंजाइम एक प्रकार का दोस्तों आपको बता दूं कि जैविक उत्प्रेरक है, जैसे बताया गया है एंजाइम, जैविक उत्प्रेरक क्या है दोस्तों, एंजाइम है। और दोस्तों आपको बता दूं कि एंजाइम उच्च अणुभार वाले नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक अर्थात प्रोटीन होते हैं। और आपको बता दूं दोस्तों, यानी कि एंजाइम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जर्मन फिजियोलॉजिस्ट विलहेम कुहने द्वारा किया गया था। देखिए एंजाइम का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो यहाँ पे लिख देते हैं, देखिए चलिए हम एंजाइम का प्रयोग सर्वप्रथम, यहाँ पे हम लिख दें सर्वप्रथम, यहाँ पे हम लिख दिया एंजाइम का प्रयोग सर्वप्रथम दोस्तों किसने किया था, देखिए एंजाइम का प्रयोग सर्वप्रथम जर्मन फिजियोलॉजिस्ट, यहाँ पे क्या लिखेंगे दोस्तों, जर्मन, और आगे लिख दीजिएगा दोस्तों जर्मन फिजियोलॉजिस्ट विलहेम, क्या नाम था उनका दोस्तों, विलहेम कुहने ने किया था। देखिए ये इनका मेन मुख्य नाम था, जर्मन फिजियोलॉजिस्ट विलहेम कुहने ने किया था, यानी कि एंजाइम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जर्मन के फिजियोलॉजिस्ट जो थे दोस्तों, विलहेम कुहने ने इसका प्रयोग किया था। चलिए अगला दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला क्वेश्चन हमारा देख लीजिएगा, यहाँ पे दिया गया है 273 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि फलों में मीठेपन के लिए कौन सी शर्करा उत्तरदायी है। देखिए फ्रक्टोज होता है, माल्टोज होता है, सुक्रोज होता है या फिर दोस्तों लैक्टोज होता है। तो दोस्तों फलों में जो जो हमारे फल होते हैं, कोई भी फल आप ले लीजिएगा, जैसे इस समय पे अभी जो मौसम चल रहा है फलों में दोस्तों, तरबूज और खरबूज का मौसम चल रहा है, तो इन ये जैसे मान लीजिएगा इन पे जो मीठेपन का अगर आप बताएंगे कौन सा शर्करा उत्तरदायी होता है,
तो दोस्तों वो हो जाएगा फ्रक्टोज, यानी कि कोई भी आप फल ले लीजिएगा, जरूरी नहीं मैंने एक खरबूज तरबूज ही बता दिया है, आप कोई भी फल का अगर देखेंगे तो किसी भी फल में देखेंगे, यहाँ पे लिखा ना फलों में मीठेपन के लिए कौन सी शर्करा उत्तरदायी है, तो वो हो जाएगा दोस्तों 273 का विकल्प नंबर ए, यानी कि फ्रक्टोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? फ्रक्टोज इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, 273 के बाद दोस्तों 274 नंबर। अब दोस्तों आपको यहाँ पे अगला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों आपको बता दूं, देख लीजिएगा दिया गया है 274 नंबर पे, कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक बहुमुखी तत्व है जो सजीवों और हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली कई चीजों का आधार बनाता है। देखिए कार्बन हो गया, एंटीमनी हो गया, बेरियम हो गया या फिर क्यूरियम हो गया। 274 का अगर देखेंगे विकल्प नंबर हमारा ए जो दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक बहुमुखी तत्व है जो सजीवों और हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली कई चीजों का आधार बनाता है। तो ये हो जाएगा दोस्तों देख लीजिएगा कार्बन हमारा दिया गया है ए ऑप्शन पे, यानी कि 274 का विकल्प नंबर अगर देखेंगे दोस्तों तो हमारा ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला दोस्तों क्वेश्चन देख लीजिएगा, 274 का यहाँ पे विकल्प नंबर हमारा ए के साथ एक क्वेश्चन राइट हो गया। और आगे दोस्तों क्वेश्चन देख लीजिएगा, यहाँ पे कहा है कि पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व है, देखिए लोहा है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, मैग्नीज है। तो 275 का यहाँ पे अगर देखेंगे तो दोस्तों विकल्प नंबर हमारा जो हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी कि 275 का बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 275 में क्या पूछा गया था, पूछा गया था पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थिति तत्व कौन सा है दोस्तों, तो कार्बन हो जाएगा, विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 276 नंबर, और 276 नंबर क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा हमारा ये दोस्तों यहाँ पे हमारा 276 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया, कहा गया कि मानव शरीर का मुख्य हिस्सा किससे बना होता है, प्लाज्मा से, वसा से, प्रोटीन से या फिर दोस्तों पानी से। तो मानव शरीर का मुख्य हिस्सा दोस्तों जो बना होता है वो पानी से बना होता है, विकल्प नंबर हमारा डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, और यहाँ पे 277 नंबर पे आते हैं, और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा कहा गया कि निम्न में से क्या माइक्रो पोषक तत्व नहीं है, कह रहा है निम्न में से क्या माइक्रो पोषक तत्व नहीं है, विटामिन नहीं है, वसा नहीं है, कार्बोहाइड्रेट नहीं है या एमिनो अम्ल नहीं है। तो 277 का अगर देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए जो दिया गया है विटामिन जो है, निम्न में से क्या माइक्रो पोषक तत्व नहीं है, तो हो जाएगा दोस्तों विटामिन, 277 का विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला क्वेश्चन दोस्तों अगर देखेंगे तो देखिए मैं आपको बता दूं कि माइक्रो पोषक तत्व के अंतर्गत हमारा विटामिन नहीं आता है, पोषक पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्यूस, न्यूक्लिक अम्ल, जल खनिज तत्व और विटामिन के रूप में बांटा जा सकता है। तो ये दोस्तों कुल मिलाकर आपको कंफर्म हो गया कि माइक्रो पोषक तत्व के अंतर्गत कौन नहीं आता है दोस्तों, और ये सब आएंगे वसा, एमिनो अम्ल, कार्बोहाइड्रेट, ये माइक्रो पोषक तत्व के अंतर्गत आते हैं, लेकिन विटामिन जो होता है वो माइक्रो पोषक तत्व के अंतर्गत नहीं आता है, इसलिए वहां पे विकल्प नंबर हमारा एक ए विकल्प के साथ क्वेश्चन राइट हो गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, और यहाँ पे अगला हमारा देख लीजिएगा 278 नंबर पे दिया गया है, इस पे कहा गया क्वेश्चन पे कि डीएनए का एक खंड जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे डॉट डॉट कहा जाता है। देखिए उसे क्या कहा जाएगा, तो पहले सबसे पहले ये समझ लीजिएगा, इसमें ये कहा गया है कि डीएनए का एक खंड जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे डॉट डॉट कहा जाता है, केंद्रक कहा जाता है, या लयन काय कहा जाता है, या जीन कहा जाता है, या फिर दोस्तों गुणसूत्र कहा जाता है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि 278 का हो जाएगा विकल्प नंबर सी हमारा यहाँ पे जीन कहा जाएगा, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे अगला हमारा क्या दिया गया, डीएनए का एक खंड जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे हम लोग जीन कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, जीन कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 278 के बाद दोस्तों 279 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि जीव विज्ञान में डीएनए का पूर्ण रूप क्या है, तेजी से मत चलें, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, डिजिटल नेटवर्क आर्किटेक्चर होता है, मनोनीत राष्ट्रीय प्राधिकरण होता है,
तो कुल मिलाकर के दोस्तों यहां पे देख लीजिएगा 279 यानी कि 279 नंबर का अगर क्वेश्चन देखा जाएगा तो ये हो जाएगा जीव विज्ञान में डीएनए का पूर्ण नाम। अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चनों में बताया है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड इसका पूरा नाम होता है, मैंने आपको पिछले भी बता चुका हूं, ठीक है ना, पिछले इसी पार्ट में। तो 279 का अगर दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर यहां पे हमारा कौन सा हो जाएगा, बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 280 नंबर, और 280 नंबर में कहा है कि आनुवंशिकी के संदर्भ में डीएनए का अर्थ है। देखिए वही सेम क्वेश्चन है, डीएनए का अर्थ पूछा गया है, तो भाई डीएनए का अर्थ अभी आपने पढ़ा है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, यानी दिया गया है डी ऑप्शन पे, तो 280 का विकल्प नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 280 के बाद दोस्तों 281 नंबर, और यहां पे कहा है कि बालों का रंग डाट डाट के कारण होता है, पेप्टिन के कारण, मेलानिन के कारण, केराटिन के कारण, या फिर दोस्तों कैरोटिन के कारण। तो दोस्तों आपको बता दूं कि जो बालों का जो हमारा रंग होता है, ब्लैक कलर के जो बाल होते हैं इनका रंग किसके कारण होता है, वो होता है दोस्तों मेलानिन, यानी कि विकल्प नंबर बी अगर देखा जाएगा तो 281 का बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बालों का रंग दोस्तों मेलानिन के कारण होता है, यानी कि 281 का विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा यहां पे कहा है कि प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट में से एक डॉट डॉट का निर्माण होता है, यानी कि प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट से एक डॉट डॉट का निर्माण होता है, डीएनए प्रतिशय होता है, आरएनए प्रतिशय होता है, एमआरएनए प्रतिशय होता है, डीएनए और आरएनए प्रतिशय होता है। तो 282 का अगर दोस्तों यहां पे देखेंगे तो 282 का आपको बता दूं विकल्प नंबर सी हमारा जो लिखा है यहां पे एमआरएनए जो ये दिया गया है सी ऑप्शन, तो 282 का विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट से एक डॉट डॉट का निर्माण होता है, तो वो हो जाएगा एमआरएनए प्रतिके अंतर्गत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 282 के बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे 283 नंबर, और यहां पे कहा है कि प्रजनन के दौरान मूल कार्य एक डॉट डॉट का निर्माण करना होता है, एमआरएनए कॉपी के द्वारा, डीएनए कॉपी के द्वारा, आरएनए कॉपी के द्वारा, या आईआरएनए कॉपी के द्वारा। तो दोस्तों आपको बता दूं कि यहां पे जो हमारा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डीएनए कॉपी के द्वारा। देखिए जो यहां पे दिया गया है प्रजनन, देखिए प्रजनन मतलब आप समझ रहे हैं ना, तो प्रजनन के दौरान मूल कार्य एक डीएनए कॉपी द्वारा होता है। दोस्तों किसमें होता है, डीएनए कॉपी का निर्माण करना होता है, डीएनए कॉपी यहां पे आप लिख देंगे, ठीक है भाई। तो यहां पे हमारा कौन सा राइट हो जाएगा, विकल्प नंबर बी हमारा मौजूद है, तो 283 का विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 283 के बाद हम लोग देखेंगे 284 नंबर, और यहां पे कहा गया है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कथन गलत है, यानी कह रहा इनमें से कौन सा कथन कह रहा गलत है। देखिए चार ऑप्शन दिए गए हैं, ए बी सी और यहां पे बस तीन ऑप्शन है, तो इन्हीं तीन ऑप्शनों में से बताना है कि कौन कौन से ऑप्शन गलत है। देखिए डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है, तो ये देखिए पहला वाला तो गलत नहीं है, तो सही ही लिखा है, पहला वाला जो हमारा दिया गया है वो सही लिखा है। इसमें हमको बताना है कौन सा कथन गलत है, यानी कि हमें गलत वाले कथन को छांटना है, तो पहला वाला तो कथन हमारा सत्य हो गया, तो भाई ठीक है। फिर कह रहा बी ऑप्शन पे अगर आ जाते हैं तो बी ऑप्शन में हमारा क्या दिया गया है, कह रहा यह गुणसूत्र में उपस्थित होने वाला रासायनिक तत्व है जो आनुवंशिकी गुण वहन करता है, तो ये विकल्प नंबर हमारा बी भी भाई सही कह रहा है। अब देख लीजिएगा तीसरा कह रहा डीएनए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोटाइड डीएनए की ही मूलभूत संरचना इकाई है जो दो अवयवों से मिलकर बनी होती है, तो ये जो सी कहा ये गलत कहा है, डीएनए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है ये गलत है, डीएनए तो हमारा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है ना, तो इसने गलत कहा है, तो विकल्प नंबर देखेंगे तो सी गलत है, सी हमारा देख लीजिए दिया गया केवल सी दिया गया सी ऑप्शन पे, तो 284 का देखेंगे तो सी विकल्प हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, अब यहां पे कहा गया कि एंजाइम मूलतः डॉट डॉट होते हैं, एंजाइम क्या होते हैं दोस्तों, आपको पता है कि एंजाइम हमेशा मूलतः क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। दोस्तों देख लीजिएगा प्रोटीन शब्द हमारा दिया गया ए विकल्प पे, तो 285 का विकल्प नंबर ए के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा यहां पे कहा है डीएनए अनुक्रम में जीन को चिन्हित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, जीन एक्सप्रेशन कहा जाता है, सीक्वेंस असेंबली कहा जाता है, एनोटेशन कहा जाता है,
प्रोटियोमिक्स कहा जाता है। तो 286 का अगर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पे विकल्प नंबर हमारा जो हो जाएगा, डीएनए अनुक्रम में जीन को चिन्हित करने की प्रक्रिया को हम एनोटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? एनोटेशन। यहाँ पे विकल्प नंबर सी मौजूद है तो विकल्प नंबर सी हमारा 286 का राइट आंसर बन जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, 286 के बाद हम लोग देखेंगे 287 नंबर, और यहाँ पे देखिए क्या कहा गया है कि प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को डॉट डॉट कहा जाता है, क्रोमोसोम कहा जाता है, केंद्रक कहा जाता है, नाभिक कहा जाता है, या फिर दोस्तों जीन कहा जाता है। प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को डॉट डॉट कहा जाता है। क्या कहा जाएगा दोस्तों? क्रोमोसोम, केंद्रक, नाभिक या फिर दोस्तों जीन। तो दोस्तों 287 का हम आपको बता दें कि प्रोटीन की जानकारी को प्रदान करने वाले डीएनए भाग को हम लोग यहां पे क्या कहेंगे दोस्तों? जीन कहेंगे। जीन दोस्तों देख लीजिएगा, ऑप्शन हमारा डी पे मौजूद है। तो 287 का यहां पे विकल्प नंबर हमारा डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब आपको दोस्तों बता दूं कि प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को हम लोग जीन, जीन को अगर और शुद्ध भाषा में बोलेंगे तो जीन को हम बोलते हैं दोस्तों वंश बोल सकते हैं, ठीक है ना, यानी वंश कहा जाता है। ठीक है, जीन जो होता है वो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड का एक ऐसा अनुक्रम है जिसमें सन्निहित कूटबद्ध सूचनाओं से अंततः प्रोटीन के संश्लेषण का कार्य संपन्न होता है, या आनुवंशिकता की मूलभूत इकाई होती है दोस्तों। ठीक है, तो यहां पे 287 का विकल्प नंबर हमारा डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और आगे दोस्तों देख लीजिएगा 288 नंबर, यहां पे कहा गया कि डॉट डॉट डीएनए का एक हिस्सा है जो एक प्रोटीन के लिए जानकारी प्रदान करता है। डीएनए का, देखिए क्वेश्चन में कहा गया था डॉट डॉट करके कहा है कि डीएनए का एक हिस्सा है जो एक प्रोटीन के लिए जानकारी प्रदान करता है। देखिए चार ऑप्शन दिए गए हैं, गुणसूत्र है, नाभिक है, लक्षण है या वंश है। तो अभी आपने जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन जो पढ़ा ना, पढ़ा था कि डीएनए का एक हिस्सा क्या है जो एक प्रोटीन के लिए जानकारी प्रदान करता है, तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों? जीन हो जाएगा। जीन जो है दोस्तों डीएनए का एक हिस्सा है, और जीन को ही दोस्तों हमने क्या बताया, क्या बोलते हैं? वंश बोलते हैं। तो देखिए जीन शब्द नहीं ना लिख करके इसने क्या लिखा? वंश लिखा है। तो ये 288 का हमारा दोस्तों कौन सा विकल्प राइट हो जाएगा? डी विकल्प हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे जीन डीएनए का एक हिस्सा होता है जो एक प्रोटीन के लिए जानकारी प्रदान करता है, यानी कि विकल्प नंबर 288 का डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, 288 के बाद हम लोग दोस्तों 289 नंबर देखेंगे। यहाँ पे कहा है कि आरएनए का पूर्ण रूप क्या है। देखिए आरएनए का पूर्ण रूप यानी कि आरएनए का पूरा नाम अगर देखा जाए दोस्तों तो इसका होता है राइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है। क्या होता है दोस्तों? राइबोन्यूक्लिक अम्ल। तो राइबो दोस्तों यहाँ पे नहीं लिखा गया है, तो आपको बता दूं कि इसने क्या लिखा है? रिबोन्यूक्लिक एसिड लिखा है। तो रिबो जो इस सब जगह पे लिखा है तो ये इस जगह पे थोड़ा सा राइबो होना चाहिए है, लेकिन यही हमारा विकल्प नंबर सी ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। 289 का विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आरएनए का अगर फुल नाम देखेंगे तो इसका हो जाएगा राइबो, देखिए हम शुद्ध लिखे दे रहे हैं दोस्तों, राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड इसका पूरा नाम हो जाएगा, राइबोन्यूक्लिक आगे दोस्तों लिख दीजिएगा एसिड। तो ये इसका क्या हो गया दोस्तों? पूर्णतः नाम हो गया, यानी कि 289 का विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, 289 के बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों 290 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद तत्व कौन सा है। तो देखिए सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद तत्व मानव शरीर में अगर आप जानेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 290 का। आपको बता दूं कि जो यहाँ पे ऑक्सीजन जो होता है यही हमारा परफेक्ट आंसर हो जाएगा कि मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा मौजूद तत्व होता है दोस्तों? ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन अगर नहीं होगा तो मानव का शरीर यानी कि ये चल नहीं पाएगा, जी नहीं पाएगा। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में दोस्तों मौजूद तत्व जो हमारा होता है वो ऑक्सीजन होता है। मानव शरीर में मुख्यतः 6 तत्व पाए जाते हैं, देखिए जिसमें ऑक्सीजन सबसे अधिक मात्रा में 65% ऑक्सीजन पाया जाता है, ठीक है ना, और अन्य तत्व जैसे कार्बन 18% पाया जाता है, हाइड्रोजन दोस्तों 10% पाया जाता है, नाइट्रोजन दोस्तों 3% पाया जाता है, कैल्शियम दोस्तों 2% पाया जाता है, फास्फोरस दोस्तों 1% पाया जाता है। देखिए अब अगर मैं यहाँ पे लिखूं, देखिए 290 का क्या हो जाएगा हमारा विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम लिख दें तो देखिए लिख दिया हमने मानव शरीर में, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं मानव शरीर में 6 तत्व पाए जाते हैं। क्या कितने तत्व पाए जाते हैं? 6 तत्व पाए जाते हैं, 6 तत्व आगे लिख दीजिएगा पाए, आगे फिर लिख दीजिएगा जाते हैं। मानव शरीर में दोस्तों 6 तत्व पाए जाते हैं। देखिए पहले नंबर में दोस्तों सबसे पहले हमारा ऑक्सीजन ही पाया जाता है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे?
यहाँ पे हम लिखेंगे दोस्तों ऑक्सीजन, जो कि सबसे ज्यादा पाया जाता है दोस्तों, 65% हमारा ऑक्सीजन पाया जाता है। दूसरे नंबर पे दोस्तों अगर आएंगे आप तो देखिए दूसरा नंबर हमारा जो दिया गया है, यहाँ पे पहला नंबर में ऑक्सीजन हो गया, दूसरे नंबर पे दोस्तों अगर आप आएंगे तो यहाँ पे मान लीजिएगा कार्बन। देखिए कार्बन कितना पाया जाता है दोस्तों, देख लीजिए कार्बन मानव शरीर में 18% पाया जाता है। कार्बन के बाद दोस्तों अगर हाइड्रोजन आ जाएंगे, देखिए तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे हाइड्रोजन दोस्तों कितना पाया जाता है, तो हाइड्रोजन पाया जाता है दोस्तों 10% पाया जाता है। और फिर अगर बात आती है दोस्तों नाइट्रोजन की, तो देखिए नाइट्रोजन कितना पाया जाता है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन दोस्तों समझ लीजिएगा कितना पाया जाता है, नाइट्रोजन हमारा 3% पाया जाता है। और उसके बाद दोस्तों कैल्शियम की बात करें, देखिए कैल्शियम अगर यहाँ पे पांचवें नंबर पे देखें तो पांचवें नंबर पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैल्शियम, तो दोस्तों ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैल्शियम दोस्तों हमारा कितना पाया जाता है, ये 2% पाया जाता है। और कैल्शियम के बाद दोस्तों छठवां नंबर हमारा क्या है दोस्तों, फास्फोरस, देखिए फास्फोरस ये दोस्तों कितना पाया जाता है, ये हमारा 1% पाया जाता है। तो ये मानव शरीर में 6 तत्व तो पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा यहाँ पे पूछा गया है तो सबसे ज्यादा दोस्तों देख लीजिएगा ऑक्सीजन 65% पाया जाता है, तो विकल्प नंबर हमारा यहाँ पे 290 का डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 291 नंबर, यहाँ पे कहा है कि प्रोटीन डॉट डॉट का एक अभिन्न अंग है, देखिए एंटीबॉडी का, एंजाइमों का, इनमें से सभी का, या कोशिका झिल्ली का, तो 291 का दोस्तों आपको बता दूं कि जो प्रोटीन होता है वो एंटीबॉडी का भी एक अभिन्न अंग है, एंजाइमों का भी अभिन्न अंग है, कोशिका झिल्ली का भी एक अंग है। तो यानी कि कुल मिला के विकल्प नंबर देखिए इसमें लिखा है इनमें से सभी, तो 291 का दोस्तों अगर देखेंगे तो विकल्प नंबर भी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि प्रोटीन क्या होता है, इनमें से सभी का एक अभिन्न अंग होता है, 291 का विकल्प नंबर हमारा बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 291 के बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे 292 नंबर, और यहां पे कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा दूध का प्रोटीन है, देखिए यहां पे कहा गया कौन सा दूध का प्रोटीन है, तो देखिए दूध का प्रोटीन अगर आप जानेंगे तो केसीन जो होता है, केसीन ही हमारा क्या होता है, दूध का प्रोटीन होता है। केसीन के कारण ही दोस्तों जो दूध की सफेदी का कलर जो होता है वो केसीन के कारण ही होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेंगे, यहाँ पे 292 का दोस्तों हमारा कौन सा हो गया, यहाँ पे डी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा हमारा यहाँ पे दिया ये गया है, इस पे अब देखिए हम लोग अगला अध्याय पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, पांचवा, यानी कि आनुवंशिकी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जेनेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए इसके बारे में आप लोग देख लीजिएगा पहला क्वेश्चन जो हमारा यहाँ पे दिया गया, देखिए ग्रुप डी 2022 में पूछा गया है ये पहला क्वेश्चन। और यहाँ पे दोस्तों अगर देखेंगे तो इसने कहा सही कथन की पहचान कीजिए, देखिए जो सही कथन होगा हमको उसी के बारे में टिक करना है। देखिए ए ऑप्शन में दिया गया है, कहा गया कि एक्स गुण सूत्र वाले शुक्राणु में 23 गुण सूत्र होते हैं, जबकि वाई गुण सूत्र वाले शुक्राणुओं में 22 गुण सूत्र होते हैं। तो ये जो यहाँ पे बता दिया गया दोस्तों ये गलत इसने कहा है, ये कह रहा सही कथन की पहचान कीजिए, तो इसने गलत कह दिया है, ये ऐसा नहीं होता है। ठीक है, एक्स गुण सूत्र वाले शुक्राणुओं में 22 गुण सूत्र होते हैं और वाई गुण सूत्र वाले शुक्राणुओं में भी 22 गुण सूत्र होते हैं, ये भी गलत कहा है। फिर एक्स गुण सूत्र वाले शुक्राणुओं में 22 गुण सूत्र होते हैं, जबकि वाई गुण सूत्र वाले शुक्राणुओं में 23 गुण सूत्र होते हैं, गलत है। फिर एक्स गुण सूत्र वाले में 23 गुण सूत्र होते हैं, वाई गुण सूत्र वाले में भी 23 गुण सूत्र होते हैं, ये सही है दोस्तों। एक्स और वाई गुण सूत्र वाले जो हमारे गुण सूत्र होते हैं उसमें शुक्राणुओं की संख्या दोस्तों 23 और 23 बराबर होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए एक्स गुण सूत्र वाले में भी शुक्राणुओं की संख्या 23 हो जाएगी और वाई गुण सूत्र वाले शुक्राणुओं में भी हमारी गुण सूत्रों की संख्या 23 ही हो जाएगी। तो विकल्प नंबर अगर दोस्तों देखेंगे तो 293 का विकल्प नंबर यहाँ पे हमारा डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा 293 के बाद दोस्तों हम आ जाएंगे 294 पे, और यहाँ पे कहा गया है कि जीन डॉट डॉट की गतिविधि के माध्यम से लक्षणों यानी कि ट्रेट्स को नियंत्रित करते हैं। देखिए जीन डॉट डॉट की गतिविधि के माध्यम से लक्षणों को नियंत्रित करते हैं, देखिए गुणसूत्रों से, युग्मकों से, हार्मोनों से या एंजाइमों से। तो 294 का अगर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पे जीन जो हो जाएगा हार्मोनों की गतिविधियों के माध्यम से लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। हार्मोनों दिया गया है दोस्तों सी ऑप्शन पे, तो यहाँ पे हमारा क्या भर दिया जाएगा दोस्तों, हार्मोनों भर दिया जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर अगर दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा 294 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लिया जाए भाई 294 का यहाँ पे हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। और आगे दोस्तों देख लीजिएगा 295 नंबर पे हमारा दिया गया है, कहा गया कि जब मेंडल ने मटर के पौधों में दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया तो उन्हें F2 पीढ़ी में पौधों के लिए क्या बेनेफाइटिप अनुपात मिला, देखिए 9:3:3:1 मिला था
ये 9:3:2:2 मिला था, या 9:7 मिला था, या 9:4:2:3 मिला था। दोस्तों आपको बता दूं कि जब मेंडल ने मटर के पौधों पे दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया था, तो उन्हें F2 पीढ़ी में देखिए क्या उन्हें F2 पीढ़ी में पौधों के लिए क्या फेनोटाइपिक अनुपात मिला था। दोस्तों ये देखिए लेटेस्ट में क्वेश्चन पूछा गया है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा दोस्तों देख लीजिएगा विकल्प नंबर ए जो दिया गया है 9:3:3:1 हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 295 का विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। चलिए अगला दोस्तों देख लीजिएगा 295 के बाद दोस्तों अगर देखेंगे तो यहाँ पे हमारा देख लीजिएगा क्या दिया गया है, तो यहाँ पे अगला 295 के बाद हमारा दोस्तों देख लीजिएगा 96 नंबर, और 96 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया, कहा गया कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगत होने वाला आनुवंशिकी पदार्थ कौन सा है। देखिए आरएनए है, डीएनए है, प्रोटीन है, एंजाइम है, तो सभी को पता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगत होने वाला आनुवंशिकी पदार्थ कौन सा है दोस्तों, वो हो जाएगा हमारा डीएनए हो जाएगा, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा। तो यहाँ पे कुल मिलाकर डीएनए हो जाएगा, तो डीएनए हमारा दोस्तों देख लीजिएगा बी ऑप्शन पे दिया गया है, तो 296 का बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 297 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि एक लंबे पौधे टीटी और एक छोटे पौधे स्मॉल टीटी के बीच संस्करण के परिमाण स्वरूप उत्पन्न F1 संगीत के सभी पौधों के लंबे होने का क्या कारण है। देखिए चार ऑप्शन यहाँ पे मौजूद हैं, इन चार ऑप्शनों में से भाई देखेंगे कौन सा हमारा राइट हो जाएगा। कहा गया है कि एक लंबे पौधे टीटी और एक छोटे पौधे टीटी के बीच संस्करण के परिणाम स्वरूप उत्पन्न F1 संस्तति के सभी पौधों के लंबे होने का क्या कारण है, क्योंकि पौधों की लंबाई टी या टी द्वारा नियंत्रित होती है, क्योंकि पौधों की लंबाई केवल टी द्वारा नियंत्रित होती है, क्योंकि पौधों की लंबाई टी और स्मॉल टी द्वारा नियंत्रित होती है, क्योंकि पौधों की लंबाई कैपिटल टी द्वारा नियंत्रित होती है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे विकल्प नंबर हमारा डी जो हो जाएगा, ये पौधों की लंबाई जो होती है कैपिटल टी द्वारा नियंत्रित होती है, यानी कि 297 का देखेंगे तो विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एक लंबे पौधे टी और टी, एक छोटे पौधे स्मॉल टीटी के बीच संस्करण के परिणाम स्वरूप उत्पन्न F1 संस्तति के सभी पौधों के लंबे होने का कारण, क्योंकि पौधों की लंबाई केवल कैपिटल टी द्वारा नियंत्रित होती है दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा विकल्प नंबर डी, यानी कि 297 का दोस्तों विकल्प हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। ग्रुप डी में दोस्तों 2022 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, और आगे वाला भी क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा अभी ग्रुप डी में ही ये भी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे कहा गया कि डाट डाट में लिंग गुण सूत्रों का एक पूर्ण युग्म मौजूद होता है, मानव मादाओं में, सांपों में, स्टारफिश में, मानव नरों में। तो 298 का दोस्तों आपको बता दूं ये हो जाएगा मानव मादाओं में, तो 298 का हमारा विकल्प नंबर कौन सा हो जाएगा, विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। मानव मादाओं में लिंग गुण सूत्रों का एक युग्म मौजूद होता है दोस्तों मानव मादाओं में, तो यहाँ पे आप क्या भर देंगे दोस्तों, तो कह रहा है ना डाट डाट में लिंग गुण सूत्रों का एक पूर्ण युग्म मौजूद होता है, तो मानव मादाओं में होता है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा विकल्प नंबर 298 का ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा 299 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि निम्नलिखित में से किसे आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है, तो ग्रेगर जान मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। ये दोस्तों देख लीजिएगा 299 का हमारा विकल्प नंबर डी पे मौजूद है, तो विकल्प नंबर डी हमारा 299 का राइट हो जाएगा। ग्रेगर जॉन मेंडल को क्या माना जाता है दोस्तों, आनुवंशिकी का जनक माना जाता है। दोस्तों आपको बता दूं कि इन्होंने सबसे पहले मटर के पौधे पर प्रयोग किया था, ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे ये किस पे प्रयोग किए थे, मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा मटर के पौधे, पौधे पर प्रयोग किया, मटर के पौधे आगे दोस्तों लिख दीजिएगा पर, आगे लिख दीजिएगा प्रयोग, आगे लिख दीजिएगा किया, मटर के पौधे पर प्रयोग किया। तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा 299 का विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे हमारा दिया गया है कि सामान्य मानव कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं,
जबकि जनन कोशिका में भी दोस्तों कितने होते हैं, देखिए जबकि जनन कोशिका में 23 गुणसूत्र होते हैं। देखिए जब यहाँ पे 46 गुणसूत्र टोटल हो गए, कहा गया ना सामान्य मानव कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं, जबकि जनन कोशिका में दोस्तों यहाँ पे हो जाएंगे 23 गुणसूत्र हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे दोस्तों? 23 गुणसूत्र, यानी कि 23 और 23 मिलाकर के टोटल हमारे 46 हो जाते हैं। तो यानी कि 23 गुणसूत्र देख लीजिएगा यहाँ पे दिया गया बी ऑप्शन पे, तो 300 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा हमारा ये दोस्तों यहाँ पे हमारा 301 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया, कहा गया कि जीनों के कुछ लक्षणों का उल्लेख नीचे किया गया है, कौन सा विकल्प जीनों के गलत लक्षण को दर्शाता है। देखिए कह रहा गलत लक्षण को दर्शाता है, हमको वो विकल्प बताना है। देखिए गलत लक्षणों को दर्शाता है, कह रहा ये प्रोटीन का उत्पादन करके लक्षणों को नियंत्रित करते हैं, ये डीएनए के खंड हैं, प्रत्येक जनन कोशिका में एक जीन सेट होता है, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो दोस्तों ये जो ऑप्शन दिया गया डी ऑप्शन ये गलत है, कह रहा है इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी कि जीनों के लक्षणों में कह रहा कोई परिवर्तन नहीं होता, ये गलत बता रखा है। जीनों के लक्षणों में परिवर्तन होता है लेकिन इसने कह रहा कोई परिवर्तन नहीं होता, तो इसलिए दोस्तों ये क्या हो जाएगा गलत दिया गया है। तो 301 का अगर देखेंगे दोस्तों तो विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों लोग 301 के बाद दोस्तों 302 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि व्यक्ति का लिंग निर्धारण डॉट डॉट द्वारा होता है, शुक्राणुओं और डिंब दोनों में मौजूद गुणसूत्रों के वजह से होता है। फिर या तो दोस्तों आप देख लीजिएगा यहाँ पे कहा गया शुक्राणुओं में मौजूद गुणसूत्रों के माध्यम से होता है, या फिर दोस्तों शुक्राणुओं और डिंब दोनों में मौजूद गुणसूत्रों और यहाँ पे ये लिखा है आगे दोस्तों देख लीजिएगा पिता की बाहर आहार संबंधी आदतों से होता है, डिंब में मौजूद गुणसूत्रों के अकॉर्डिंग होता है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पे कह रहा जो व्यक्ति होता है उसका जो लिंग निर्धारण होता है दोस्तों, तो वो शुक्राणुओं में मौजूद गुणसूत्रों के अकॉर्डिंग होता है। यहाँ पे विकल्प नंबर बी जो है हमारा शुक्राणुओं में मौजूद गुणसूत्रों के अकॉर्डिंग व्यक्ति का लिंग निर्धारण होता है, यानी कि 302 का अगर दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों आपको बता दूं कि यदि यदि मतलब आप जानते हैं व्यक्ति के लिंग निर्धारण जो होता है दोस्तों वो शुक्राणुओं में मौजूद गुणसूत्रों की वजह से होता है, मानव लिंग निर्धारण में दोस्तों के लिए एक्स एक्स गुणसूत्र या फिर दोस्तों एक्स वाई गुणसूत्रों का अनुसरण करता है, और पुरुषों में दोस्तों देख लीजिएगा एक्स और वाई गुणसूत्र होते हैं, जबकि महिलाओं में दोनों में दोस्तों गुणसूत्र हमारे एक्स और एक्स होते हैं। तो आपको पता है कि महिलाओं में दोस्तों एक्स एक्स गुणसूत्र पाया जाता है, लेकिन पुरुषों में एक्स भी पाया जाता है और वाई भी पाया जाता है, एक्स एक्स भी पाया जाएगा और एक्स वाई भी पाया जाएगा, और लेकिन महिलाओं में एक्स एक्स ही पाया जाता है, ये आपको कंफर्म होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं 302 के बाद दोस्तों 303 नंबर, और यहाँ पे देख लीजिएगा दिया गया है, कहा गया कि निम्नांकित चित्र एकल जीव की प्रजनन क्रिया और मामूली भिन्नताओं वाले एक संतति को दर्शाता है, इस अंतर का क्या कारण हो सकता है। देखिए क्या कारण हो सकता है, डीएनए प्रतिरूपण में त्रुटियां हो सकता है, आरएनए निर्माण में त्रुटियां हो सकता है, प्रोटीन निर्माण में त्रुटियां हो सकता है, जीन का अक्रियाशील होना। तो यहाँ पे दोस्तों अगर देखेंगे 303 का जो हमारा हो जाएगा, यहाँ पे कहा है कि निम्नलिखित चित्र का एकल जीव की प्रजनन क्रिया और मामूली भिन्नताओं वाली एक संतति को दर्शाता है, इस अंतर को क्या कारण हो सकता है। ये हो सकता है दोस्तों डीएनए प्रतिरूपण में त्रुटियां हो सकता है, यानी कि विकल्प नंबर अगर देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए 303 का ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 304 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि वंशागति के नियमों को प्राप्त करने में मेंडल की सफलता के पीछे मुख्य कारण क्या था। उन्होंने अपने संस्करण में एक बार में केवल एक ही लक्षण का अध्ययन किया, उन्होंने ऐसे जनकों को चुना जो एक समान थे, उन्होंने मटर के पौधों का चयन किया, उन्होंने प्रत्येक पीढ़ी में एक विशेष लक्षण दर्शाने वाले व्यष्टि जीवों की गणना की। वंशागति के नियमों को प्राप्त करने में मेंडल की सफलता के पीछे मुख्य कारण क्या था। दोस्तों तो अभी आपने पढ़ा है मेंडल का, यानी कि उन्होंने क्या किया, देखिए उन्होंने अपने संस्करण में एक बार में केवल एक ही लक्षण का अध्ययन किया, ये हमारा इन्होंने इसलिए सफलता प्राप्त की। तो 304 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और जबकि गलती से भी आप दोस्तों उन्होंने मटर के पौधों का चयन किया,
इस पे टिक मत करिए। यहाँ पे पूछा कुछ और गया, देखिए यहाँ पे कहा गया है कि वंशागत के नियमों को प्राप्त करने में मेंडल की सफलता के पीछे मुख्य कारण दोस्तों ये है कि उन्होंने अपने संस्करण में एक बार में केवल एक ही लक्षण का अध्ययन किया। तो ये दोस्तों देख लीजिएगा ए ऑप्शन पे दिया गया है, तो 304 का विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 305 नंबर, और 305 नंबर में देखेंगे तो हमारा देख लीजिएगा यहाँ पे दिया ये गया है, कहा गया है कि डाट डाट लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होते या होती हैं। देखिए जर्म कोशिकाएं होते हैं, ऑटोसोम होते हैं, एलोसोम्स होते हैं, या प्लियोट्रिप जीन होते हैं। देखिए लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी जो होते हैं दोस्तों वो हो जाएंगे दोस्तों वो एलोसोम्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे दोस्तों? एलोसोम्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? एलोसोम्स लिख देंगे, यानी कि विकल्प नंबर हमारा देख लीजिएगा सी पे मौजूद है। तो 305 का देखेंगे तो 305 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 305 का विकल्प नंबर यहाँ पे सी दिया गया है एलोसोम्स, यानी कि सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 305 के बाद दोस्तों अगर देखेंगे तो 306 नंबर हमारा जो दिया है इस पे कहा गया है, देख लीजिएगा यहाँ पे थोड़ा सा सही तरीके से नहीं रखा गया क्वेश्चन को, यानी बीच में ही छोड़ दिया गया। चलिए यहीं से देख लेते हैं। यहाँ पे कहा है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों में मटर के पौधों की निम्नलिखित में ये किस विशेषता का उपयोग नहीं किया था? मटर के पौधों की लंबाई की विशेषता का उपयोग नहीं किया था, या बीज की आकृति का, या पत्तों की आकृति का, या फूलों के रंगों का? तो मेंडल ने अपने प्रयोग में पत्तों की आकृति का वर्णन नहीं किया था या उपयोग नहीं किया था। तो 306 का दोस्तों अगर देखेंगे तो विकल्प नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर बन जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 307 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अगर आप प्रत्येक प्रोटीन के लिए एक विशिष्ट जीन होता है, प्रत्येक हार्मोन के लिए एक विशिष्ट प्रोटीन होता है, प्रत्येक प्रोटीन के लिए एक विशिष्ट आरएनए होता है, प्रत्येक हार्मोन के लिए एक विशिष्ट गुणसूत्र होता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कह रहा सही है? तो 307 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए जो दिया गया है, प्रत्येक प्रोटीन के लिए एक विशिष्ट जीन होता है, यहाँ पे ए विकल्प इस क्वेश्चन का बिल्कुल परफेक्ट एवं राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रत्येक प्रोटीन के लिए एक विशिष्ट जीन होता है, 307 का ए विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे देख लीजिएगा विकल्प नंबर ए के साथ ये राइट हो जाएगा। और आगे दोस्तों देख लीजिएगा 308 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है? हमको गलत वाले कथन को बताना है, टिक करना है कि इनमें से कौन सा कथन गलत हो जाएगा। देखिए कह रहा प्रत्येक जीन एक विशेष लक्षण प्रदर्शित करता है, तो बात सत्य है दोस्तों, ये सत्य है, कथन गलत नहीं है, ठीक है ना। फिर कह रहा प्रत्येक जनन कोशिका प्रत्येक युग्म से एक गुणसूत्र ग्रहण करेगी, ये भी बात सत्य कह रहा है। फिर कह रहा युग्मक निर्माण के समय दे युग्म विकल्पी एक साथ आते हैं, तो ये दोस्तों इसने गलत कहा है, जीन गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं, ये सत्य कहा है। इसने गलत वाले कथन बताने के लिए कहा था, तो गलत वाला कथन हमारा दोस्तों देख लीजिएगा कौन सा हो जाएगा? 308 का सी वाला गलत हो जाएगा। तो सी विकल्प हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 308 के बाद दोस्तों लोग देखेंगे 309 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि मेंडल द्वारा प्रयोग किए गए प्रयोगों के तरीके के आधार पर नीचे दिए गए कथनों में से सही कथन की पहचान कीजिए। किसके द्वारा? देखिए मेंडल द्वारा प्रयोग किए गए प्रयोगों के तरीकों के आधार पर नीचे दिए गए कथनों में से सही कथन की पहचान कीजिए। आरंभ में पौधों का पर निषेचन किया गया था, उसके बाद स्वनिषेचन किया गया, कहने का मतलब ठीक है, केवल स्वनिषेचन किया गया, आरंभ में पौधों का स्वनिषेचन किया गया, उसके बाद निषेचन किया गया, ठीक है, केवल पर निषेचन किया गया। देखिए 309 नंबर का जो हो जाएगा दोस्तों, आपको बता दूं यहां पे कह रहा इनमें से, देखिए फिर से क्वेश्चन समझिए, कह रहा है कि मेंडल द्वारा प्रयोग किए गए प्रयोगों के तरीकों के आधार पर नीचे दिए गए कथनों में से सही कथन की पहचान कीजिए। तो ये हो जाएगा विकल्प नंबर ए, आरंभ में पौधों का पर निषेचन किया गया था, उसके बाद स्वनिषेचन किया गया, यानी कि 309 का देखेंगे तो विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। भाई अगला क्वेश्चन देखेंगे 310 नंबर, और यहाँ पे कहा गया कि प्रत्येक जनन कोशिका प्रत्येक युग्म से एक गुणसूत्र ग्रहण करेगी, और ये मातृ या पितृ मूल की हो सकती है। जब दो जनन कोशिकाएं संलयित होती हैं तो वे जातियों के डीएनए
की स्थिरता सुनिश्चित करते हुए संतति में गुणसूत्रों की सामान्य संख्या को बहाल कर देती हैं। वंशागत की इस तरह की प्रणाली को डाट डाट में वर्णित किया गया है। मेंडल के प्रयोगों के परिणाम को, जातियों में उत्परिवर्तन को, जीवों का जाति उद्भवन को, गुणसूत्र संख्या में भिन्नता को, तो 310 का अगर देखेंगे दोस्तों तो विकल्प नंबर ए जो हो जाएगा मेंडल के प्रयोगों के परिणाम को, यानी कि 310 का विकल्प नंबर हमारा ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। और अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 311 नंबर, यहाँ पे कहा है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे का प्रयोग किया था। सभी जानते हैं दोस्तों लिली का, उद्यान मटर का, गुलाब का पौधा का, मिर्च का, तो दोस्तों ये उद्यान मटर जो लिखा है हमारा 311 का ए विकल्प इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधे का प्रयोग किया गया था जो कि विकल्प नंबर ए पे मौजूद है, ये सभी बच्चे बच्चों को मालूम है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, कहा गया कि एक संकर या संकरण डाट डाट विभिन्न संस्करणों की विशेषताओं वाले दो पौधों का संयोजन होता है, चार होता है, दो होता है, छह होता है, आठ होता है, तो 312 का अगर दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा बी जो दिया गया है दो होता है, यानी कि यहाँ पे क्या भर दिया जाएगा दोस्तों दो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एक संकर या संस्करण दो विभिन्न संस्करणों की विशेषताओं वाले दो पौधों का संयोजन होता है, तो 312 का विकल्प नंबर दोस्तों हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा भाई 313 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कण संतान द्वारा किसी लक्षण की वंशानुगति को नियंत्रित करता है। देखिए कह रहा कौन सा कण संतान द्वारा किसी लक्षण की वंशानुगति को नियंत्रित करता है, केवल पैतृक डीएनए, केवल मात्र डीएनए, या फिर दोस्तों प्रोटीन, पैतृक और मात्र डीएनए दोनों, तो आपको तो बता दूं कि ये जो नियंत्रित करता है दोस्तों वो हो जाएगा पैतृक और मात्र डीएनए दोनों नियंत्रित करते हैं, यानी कि विकल्प नंबर हमारा देख लीजिएगा 313 का डी विकल्प के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आप दोस्तों जानते होंगे, आम भाषा में सुनते होंगे कि किसी का बेटा है या बेटी है वो अपने मम्मी पापा के गुणों के आधार पर ही होती है, उसके मम्मी पापा के गुण उसमें जरूर कुछ ना कुछ विद्यमान होते हैं, तो कहीं ना कहीं दोस्तों यानी कि 313 का देखेंगे तो विकल्प नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 314 नंबर, और यहां पे कहा गया है कि मेंडल ने मटर के पौधे के अनेक विपर्यासी 10 लक्षणों के आधार पर प्रयोग किए, उनमें से कुछ निम्नलिखित थे, देखिए गोल और झुर्रीदार बीज थे, लंबे और छोटे पौधे थे, सफेद और बैंगनी फूल थे, इनमें से कौन से मटर के पौधे में पाए जाने वाले अप्रभावी लक्षण हैं। देखिए झुर्रीदार, छोटे और बैंगनी, गोल, छोटे और सफेद, बैंगनी, छोटे और गोल, झुर्रीदार, छोटे और सफेद, तो दोस्तों 314 का जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प नंबर डी। यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा झुर्रीदार, छोटे और सफेद जो दिया गया है यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 314 का विकल्प नंबर हमारा डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 314 के बाद हम लोग देखेंगे, 314 के बाद दोस्तों देखा जाए तो 315 नंबर पे आ जाते हैं दोस्तों। 315 में देख लीजिएगा क्या दिया गया है, इसमें कहा है कि मेंडल के संस्करण में एक शुद्ध लंबे पौधे कैपिटल टीटी और एक बौने पौधे स्मॉल टीटी के साथ संस्करण कराया गया, F2 पीढ़ी में जीनोटाइप अनुपात क्या था। देखिए ये हमेशा पेपर में पूछा जाता है, तो कह रहा F2 पद्धति में या F2 पीढ़ी में जीनोटाइप अनुपात क्या था दोस्तों, तो वो था हमारा 3:1 का अनुपात मिला था। देखिए 3:1 का अनुपात, यानी कि 315 का देखेंगे तो विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 315 के बाद दोस्तों 316 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है क्वेश्चन पे कि इनमें से कौन वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने प्रत्येक पीढ़ी में किसी विशेष लक्षण को प्रदर्शित करने वाले पौधों या जीवों की गणना करने के लिए अपने विज्ञान और गणित के ज्ञान को सम्मिश्रित किया था, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने या JBS हाल्डन ने, स्टेनली एल मिलर ने, ग्रेगर जान मेंडल ने। तो दोस्तों 316 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, आपको बता दूं दोस्तों 316 का हमारा डी विकल्प यहाँ पे जो लिखा है ग्रेगर जान मेंडल जो हमारे हो जाएंगे वही इस क्वेश्चन के राइट आंसर हो जाएंगे। तो दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे इसने फिर से एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन में, कहा गया कि इनमें से कौन वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने प्रत्येक पीढ़ी में किसी विशेष लक्षण को प्रदर्शित करने वाले पौधों जीवों की गणना करने के लिए
अपने विज्ञान और गणित के ज्ञान को समृष्ठित किया था, तो वो थे दोस्तों हमारे ग्रेगर जान मेंडल थे। यानी कि 316 का विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा और 317 नंबर पे आ जाते हैं। दोस्तों 317 नंबर में देख लीजिएगा, दिया गया है, कहा गया कि मनुष्यों में लक्षणों के वंशागति के नियम नीचे वर्णित कुछ तथ्यों से संबंधित होते हैं, इन तथ्यों में से एक के अलावा अन्य सभी सही हैं, गलत विकल्प का चयन कीजिए। देखिए गलत विकल्प का कह रहा है, इसमें चयन करके हमको बताना है। तो देखिए पहला विकल्प हमारा ए जो दिया गया है, यहां पे कहा है कि माता और पिता दोनों बच्चे के लिए समान मात्रा में आनुवंशिक पदार्थों का योगदान करते हैं, प्रत्येक लक्षण के लिए प्रत्येक बच्चे में दो संस्करण या असंगत जीन होने चाहिए। फिक्र है प्रत्येक लक्षण के लिए प्रत्येक बच्चे में एक ही संस्करण असंगत जीन होना चाहिए। फिक्र है प्रत्येक लक्षण माता और पिता दोनों के डीएनए से प्रभावित हो सकता है। तो दोस्तों यहां पे जो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, जो थर्ड ऑप्शन दिया गया सी वाला, प्रत्येक लक्षण के लिए प्रत्येक बच्चे में एक ही संस्करण या असंगत जीन होना चाहिए, ये जो हमारा है यही विकल्प हमारा क्या है, गलत विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें गलत हमारा यही हो जाएगा, प्रत्येक लक्षण के लिए प्रत्येक बच्चे में एक ही संस्करण माता मतलब संस्करण असंगत जीन होना चाहिए। तो विकल्प नंबर जो हमारा 317 का सी दिया गया है, यही हमारा गलत विकल्प हो जाएगा। तो गलत विकल्प हमारा दोस्तों देख लीजिएगा सी हो गया। तो ऑप्शन नंबर हमारा 317 का सी के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। और जो दोस्तों तीन ऑप्शन दिए गए हैं ए बी और डी, ये हमारे ये सही विकल्प दिए गए, यानी सत्य है ये बातें जिसमें लिखी हुई है वो सत्य है, लेकिन सी वाली बातें जो लिखी हुई है वो असत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं। 318 नंबर, यहाँ पे कहा कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू जीन प्रारूप वाले निर्मित युग्मकों का प्रतिशत कितना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे प्रतिशत पूछा गया, तो आपको दोस्तों बता दूं कि ग्रेगर जान मेंडल द्वारा शुद्ध लंबे तथा शुद्ध बौने पदार्थों के बीच संस्करण कराने के पश्चात प्रथम संतप यानी कि प्रथम पीढ़ी में सभी लंबे पौधे प्राप्त हुए और F1 पादपों में स्वनिषेचन कराकर दोस्तों F2 मतलब पीढ़ी में लंबे तथा बौने पादपों का ये क्रम तैयार हुआ। दोस्तों तो कुल मिलाकर के 3:1 इनको प्राप्त हुआ था। और दोस्तों देखा जाए तो ये जो हमारा हो जाएगा ये 25%, यानी कि अगर हम 75% देखें लंबे होते हैं तो 25% दोस्तों हमारे क्या होते हैं छोटे पादप यानी कि बौने वाले होते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर अगर देखा जाए तो इसने क्या पूछा, देखिए टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू जीन प्रारूप वाले निर्मित युग्मकों का प्रतिशत कितना होता है। तो दोस्तों ये 25% होता है, कितना हो जाएगा दोस्तों 25%, यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाएगा तो 318 का दोस्तों हमारा विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 318 के बाद दोस्तों 319 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि मानव में लिंग गुणसूत्रों के कितने युग्म मौजूद होते हैं, मानव में लिंग गुणसूत्रों के कितने युग्म मौजूद होते हैं। देखिए एक युग्म मौजूद होता है या तीन युग्म मौजूद होता है या फिर दोस्तों दो युग्म मौजूद होता है या फिर दोस्तों चार युग्म मौजूद होता है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि मनुष्य में 22 युग्म अलिंगिक गुणसूत्र और एक युग्म लिंग गुणसूत्र यानी कि एक्स और वाई होते हैं। मनुष्य में समानतया 23 युग्म गुणसूत्र होते हैं अर्थात 46 गुणसूत्र होते हैं। पुरुषों में दोस्तों एक्स वाई लिंग गुणसूत्र और महिलाओं में दोस्तों एक्स एक्स लिंग गुणसूत्र पाया जाता है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे जो हो जाएगा मानव में लिंग गुणसूत्रों के लिए कितने युग्म मौजूद होते हैं, तो एक युग्म मौजूद होता है। 319 का दोस्तों विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 320 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि मटर के पौधों पर मेंडल के प्रयोगों के अनुसार लंबेपन को बौनेपन की तुलना में प्रभावी लक्षण कहा गया, क्योंकि लंबेपन के लिए जीन का प्रतीक टी तथा जबकि बौनेपन के लिए जीन का प्रतीक स्मॉल टी ये बताया गया। फिर कहा गया ये तो बात सही बताया गया, इसने सही सत्य कहा। इसने क्या पूछा गया, कह रहा बौनेपन की तुलना में प्रभावी लक्षण कहा गया, क्योंकि क्या कहा गया ये बात बताना है। फिर कहा गया अच्छा देखिए मटर सहित सभी जीवों में बौने जीवों की तुलना में लंबे जीव समानतया अधिक पाए जाते हैं। फिर कहा गया कि लंबे पौधे बौने पौधों की तुलना में आकार में बड़े होते हैं। फिर डी ऑप्शन में कहा है कि कोई पौधा लंबा ही होगा भले ही उसके लंबेपन के लिए एक जीन युग्म विकल्पी हो या दो जीन युग्म विकल्पी हो। तो ये जो हो जाएगा विकल्प नंबर डी, कोई पौधा लंबा ही होगा भले ही उसके लंबेपन के लिए एक जीन युग्म विकल्पी हो या दो जीन युग्म विकल्पी हो। तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा विकल्प नंबर 320 का हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा।
आगे दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे 320 के बाद हम लोग देखेंगे 321 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन आगे बताया गया गलत है। तो देखिए, सभी बच्चों में वाई गुणसूत्र उनकी माँ से वंशानुगत होते हैं, तेरा गलत कथन हमको बताना है। दोस्तों देख लीजिएगा ना, यहाँ पे 321 नंबर है, हमको गलत कथन यहाँ पे बताने के लिए कहा है। तो देखिए, इसने कहा सभी बच्चों में वाई गुणसूत्र जो होते हैं उनकी माँ से वंशानुगत होते हैं, तो ये तो बात क्लियर, हम कह नहीं सकते कि माँ से ही गुण वाई गुणसूत्र मिलेंगे, हो सकता पिता से मिले, तो ये बात गलत है। यहाँ पे दूसरा कथन देख लीजिएगा, दूसरे कथन पे कहा गया है कि कुछ प्राणियों जैसे घोंघे जीवन में अपना लिंग परिवर्तन कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल दोस्तों, कर सकते हैं, ये बात सत्य कह रहा है। जैसे कुछ प्राणी होते हैं घोंघा वगैरह, ये जीवन में अपना लिंग परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है। अगला कहा गया कि सभी मानव गुणसूत्र युग्मित नहीं होते हैं, तो ये भी बात सत्य है, जो जितने भी मानव होते हैं सभी के गुणसूत्र दोस्तों नहीं होते हैं, हो सकता है कुछ के गुणसूत्र ना हो, तो वो मतलब क्या होता है, संतान उत्पत्ति में उनको बाधा आ जाती है, ठीक है ना। तो ये हो गया। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, डी ऑप्शन में कहा है कि लिंग विभिन्न जातियों में विभिन्न कारकों द्वारा निर्धारित होता है, तो ये भी बात सत्य कह रहा है, लिंग जो होता है विभिन्न जातियों में विभिन्न कारकों द्वारा निर्धारित होता है। तो यहाँ पे विकल्प नंबर जो हमारा गलत कथन के लिए बोला गया था दोस्तों 321 का, विकल्प नंबर ए ही हमारा इस गलत कथन हो जाएगा, यानी कि 321 का विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 322 नंबर, और 322 नंबर क्वेश्चन पे देख लीजिएगा, यहाँ पे दिया गया है, क्वेश्चन में कहा गया है कि क्या एक्स गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं और वाई गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं के बीच कोई दृश्य भिन्नता होती है। देखिए, इसके कहने का मतलब यह था कि क्या एक्स गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं और वाई गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं के बीच में कोई दृश्य भिन्नता होती है। तो अब देखें, पहला ऑप्शन दिया गया नहीं, उनके आकार में कोई अंतर नहीं होता, लेकिन गतिशीलता में अंतर होता है। तो देखिए, ये बात जो कह रहा है गतिशीलता में अंतर होता है, तो ये गलत कह दिया है, इस जगह पे कह देता यानी कि उनके नहीं, उनके आकार में कोई अंतर नहीं होता है, तो ये बात तो सही कह रहा, लेकिन कह रहा लेकिन गतिशीलता में अंतर होता है, नहीं ये गलत कह रहा, गतिशीलता में भी कोई अंतर नहीं होना चाहिए दोस्तों, ये होता है। तो विकल्प नंबर ए हमारा देख लीजिएगा यहाँ पे गलत हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा, हमारा डी वाला विकल्प पढ़ने में आ रहा है दोस्तों, इसको देख लीजिएगा, करण नहीं, उनके आकार या गतिशीलता में कोई अंतर नहीं होता है। तो ये जो होता है, देखिए ये जो विकल्प डी कहा है, इसने ये सत्य कहा है, बाकी यहाँ पे जो सी हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, तो ए बी सी तीनों गलत हो जाएंगे और डी वाला सत्य हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कहा क्या गया, कहा गया नहीं, उनके आकार या गतिशीलता में कोई अंतर नहीं होता है। देखिए, एक्स गुणसूत्र वाले शुक्राणु और वाई गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं के बीच में अगर दृश्य भिन्नता देखा जाए, तो उनके ना तो आकार में ना तो उनकी गतिशीलता में कोई अंतर नहीं पाया जाता है। तो विकल्प नंबर हमारा डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 322 का विकल्प नंबर डी को आप टिक करें और आगे बढ़ जाइए। देखिए, अगला हम देखेंगे 323 नंबर, और 323 नंबर क्वेश्चन पे देख लीजिएगा, यहाँ पे दिया गया है, कहा गया कि मनुष्यों में संतान का लिंग डॉट डॉट द्वारा निर्धारित होता है। जो मनुष्य होते हैं, कह मनुष्यों की जो संतानें उत्पन्न होती हैं या पैदा होती हैं, कह उनमें लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है। देखिए, किसके द्वारा होगा, माता और पिता दोनों के गुणसूत्रों के आधार पर होगा, या माता के गुणसूत्रों पर होगा, या ऑटोसोम के द्वारा होगा, या पितृ गुणसूत्र पे होगा। देखिए, पिता के ही गुणसूत्रों पे बच्चे का लिंग निर्धारण सुनिश्चित होता है। देखिए, तो यहाँ पे ना तो ये वाला सही होगा, ना तो ये और ना ये, तो यानी कि पिता के गुणसूत्रों के अकॉर्डिंग ही संतान में लिंग का निर्धारण होता है। यानी कि 323 का दोस्तों देख लीजिएगा विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे जिस इसने बता दिया कि मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण पिता के गुणसूत्रों के आधार पर होता है। देखिए, अब मैंने आपको बताया, अभी आप पीछे पढ़ते चले आ जा रहे हैं, जो पिता के जो गुणसूत्र होते हैं, देखिए पिता के गुणसूत्र यहाँ पे देखेंगे तो पिता के गुणसूत्र दोस्तों एक्स और वाई होते हैं, और माता के गुणसूत्र अगर देखेंगे, माता के जो गुणसूत्र होते हैं, देखिए माता के जो गुणसूत्र हो जाएंगे वो दोस्तों हमारे क्या होते हैं, वो होते हैं एक्स एक्स होते हैं। तो अब देखिए, जब यहाँ पे मान लीजिएगा, देखिए जब यहाँ पे लड़का हमारा मान लीजिएगा उत्पन्न होगा, लड़का होगा, तो यहाँ पे देखिए पिता का गुणसूत्र हमारा वाई मिल जाएगा और माता का गुणसूत्र हमारा एक्स मिल जाएगा।
तभी तो देखिए माता में एक्स एक्स पाया जाता, पिता वाला वाई आ जाएगा, यहाँ पे एक्स आ जाएगा, तभी इसमें लड़का का उत्पन्न होगा। और जब यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा लड़की उत्पन्न होती है दोस्तों, तो लड़की की उत्पन्नता कैसे होती है, जब पिता का भी एक्स आएगा और माता के पास तो पहले से ही एक्स है, तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा यानी कि जब दोनों के एक्स और एक्स मिल जाएंगे तो यहाँ से दोस्तों क्या हो जाएगी, यहाँ से हमारी लड़की की उत्पन्नता हो जाएगी। तो इस प्रकार से दोस्तों मेन देख लीजिएगा पिता का ही जो गुणसूत्र होता है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे बता पाएंगे कि इसमें लिंग निर्धारण पिता के गुणसूत्रों के आधार पर होता है। तो विकल्प नंबर हमारा 323 का दोस्तों डी विकल्प राइट हो गया। और आगे दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पे 323 के बाद दोस्तों अगर देखा जाए तो हमारा 323 के बाद हमारा देख लीजिएगा 324 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि मेंडल से पहले कई वैज्ञानिक ने मटर और अन्य जीवों के लक्षणों की वंशानुगति का अध्ययन शुरू कर दिया था, लेकिन मेंडल वंशागति के नियम देने में सफल रहे। मेंडल की सफलता से संबंधित कुछ तर्क नीचे दिए गए हैं, जिनमें से एक के अलावा अन्य सभी सही है। गलत तर्क का चयन कीजिए, यहाँ पे लिखा गलत तर्क का चयन कीजिए, ये आगे लिख दीजिएगा गलत तर्क का, आगे दोस्तों यहाँ पे लिख दीजिएगा चयन कीजिए, गलत तर्क का दोस्तों हमको चयन करना है। यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा, अब पहला तर्क हमारा क्या दिया गया ए ऑप्शन पे, उन्होंने प्रत्येक पीढ़ी में किसी विशेष लक्षण वाली जीवों की गिनती रखी थी। देखिए 324 में हमारा जो पहला तर्क है, कहा गया था कि उन्होंने प्रत्येक पीढ़ी से किसी विशेष लक्षण वाली जीवों की गिनती रखी थी, तो ये तर्क हमारा ठीक नहीं है। दूसरा आ जाइए, कहा है कि उन्होंने एक समय में एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया, जबकि उनमें से पहले के वैज्ञानिकों ने जीव के संपूर्ण रूप में लेकर अध्ययन किया, तो ये भी बात सही नहीं है, भी गलत है। फिर कहा उन्होंने अपने विज्ञान और गणित के ज्ञान को मिश्रित किया, विज्ञान और गणित के ज्ञान को मिश्रित करने की आवश्यकता ही नहीं है दोस्तों, ये भी सही नहीं है। करा उन्हें उन्होंने छोटे आकार के नमूनों के आधार पर काम किया, तो ये बात दोस्तों सत्य है, उन्होंने छोटे आकार के नमूनों के आधार पर काम किया था, यानी कि 324 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 325 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि जब मेंडल ने मटर के लंबे पौधों का संस्करण मटर के बौने पौधों के साथ कराया तो प्राप्त सभी संतति लंबे पौधे थे, जबकि उन्होंने गोल बीज वाले पौधों का झुर्रीदार बीज वाले पौधों के साथ संस्करण कराया तो प्राप्त सभी संतति गोल बीज वाले पौधे थे। यदि वे झुर्रीदार बीजों वाले लंबे पौधों का संस्करण गोल बीज वाले बौने पौधों के साथ कराते तो प्राप्त संतति पौधों से किस प्रकार के होते, ये बात हमको यहाँ से दोस्तों बतानी है। तो देख लीजिएगा यहाँ पे झुर्रीदार बीज वाले लंबे पौधे होते, झुर्रीदार बीज वाले बौने पौधे होते, गोल बीज वाले बौने पौधे होते, यहाँ पे होगा दोस्तों गोल बीज वाले लंबे पौधे पैदा होते हैं यहाँ पे दोस्तों, देख लीजिएगा यानी कि विकल्प नंबर डी हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर से आप क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए उसके कहने का मतलब था जब लंबे पौधे का संस्करण बौने पौधे से कराया तो संसद लंबे पौधे प्राप्त हुए, तो देखिए यानी कि लंबे प्लस छोटे, छोटे को कराया तो लंबे प्लस बौने, यहाँ पे बौने आप लिख दीजिएगा बौने, लंबे प्लस बौने को कराया दोस्तों तो क्या मिला हमको, लंबा मिला, बात समझिए लंबा पौधा मिल गया। आप कह रहे देखिए गोल बीज वाले पौधों को झुर्रीदार बीज वाले से किया तो के साथ संस्करण कराने पर प्राप्त सभी संतति गोल बीज वाले पौधे मिले। देखिए अब देखिए यहाँ पे देखिए इसने बताया कि गोल बीज वालों के साथ झुर्रीदार वाले बीज वाले पौधों के साथ संस्करण कराया गया तो प्राप्त सभी संतति गोल बीज वाले पौधे मिल गए। देखिए जो पहले कराया गया वही मिला, देखिए इसमें पहले लंबा कराया गया था तो लंबा ही मिला, इसमें पहले गोल बीज वाले कराया गया तो बाद में सभी गोल बीज वाले ही मिल गए। अब कराए यदि झुर्रीदार वाले बीजों वाले लंबे पौधों का संस्करण गोल बीज वाले से कराते तो यहाँ पे दोस्तों क्या मिलता, देखिए गोल बीज वाले बौने पौधे के साथ कराते तो प्राप्त संतति पौधे किस प्रकार के होते, तो गोल बीज वाले लंबे पौधे बनते जाकर के। विकल्प नंबर हमारा 325 का दोस्तों डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और यहाँ पे हमारा देख लीजिएगा आगे दिया गया है 325 के बाद दोस्तों 326 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि मानव नरों में मौजूद लिंग गुणसूत्र एक्स वाई इनके बीच क्या अंतर है, इनके आकार में कोई अंतर नहीं होता, पहला ऑप्शन ए में दिया गया है। फिर कह रहा एक्स गुणसूत्र बड़ा होता है जबकि वाई गुणसूत्र छोटा होता है। फिर आगे कहा है कि वाई गुणसूत्र में एक्स गुणसूत्र अधिक जीन होते हैं, वाई गुणसूत्र बड़ा जबकि एक्स गुणसूत्र छोटा होता है, ये विकल्प नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे जिसने कहा है कि एक्स गुणसूत्र बड़ा होता है वाई गुणसूत्र छोटा होता है, ये बिल्कुल सही और सत्य कहा गया है। तो 326 का दोस्तों अगर देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा बी ऑप्शन के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा।
और आगे दोस्तों देख लीजिएगा 327 नंबर, और यहां पे कहा गया है कि लक्षणों की वंशागति को नियंत्रित करने वाले नियमों की खोज में मेंडल के सफल होने का एक कारण इनमें से क्या था। वे वैज्ञानिक विधियों से प्रशिक्षित थे, उन्होंने विकासवादी प्रक्रियाओं के अपने ज्ञान का उपयोग किया, उन्होंने संतति की संख्यात्मक गणना की, उन्होंने जंतुओं के बजाय पादपों का प्रयोग किया। तो दोस्तों आपको बता दूं कि जो 327 का हमारा हो जाएगा, उन्होंने संतति की संख्यात्मक गणना की, ये विकल्प नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे नंबर देख लीजिएगा 327 का दोस्तों, यहाँ पे विकल्प नंबर सी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो गया। और आगे दोस्तों देख लीजिएगा 328 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि यदि मेंडल ने F2 पीढ़ी का अध्ययन नहीं किया होता तो क्या होता। यदि मेंडल ने F2 पीढ़ी का अध्ययन नहीं किया होता तो क्या होता, वह पता नहीं लगा पाते कि कौन से लक्षण प्रभावी थे, वह कई लक्षणों का अध्ययन नहीं कर पाते, वह पता नहीं लगा पाते कि अप्रभावी लक्षण नष्ट नहीं होते, वह हाइब्रिड पौधे प्राप्त कर पाने में सक्षम नहीं होते। तो 328 का अगर दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा जो सी दिया गया है, वह पता नहीं लगा पाते कि अप्रभावी लक्षण नष्ट नहीं होते, यानी कि 328 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 328 के बाद दोस्तों 329 नंबर देखेंगे, और यहाँ पे कहा है कि पीले बीजों वाले तद्रूप प्रजनन वाले एक लंबे मटर के पौधों का संस्करण हरे बीज वाले तद्रूप प्रजनन वाले बौने मटर के पौधे के साथ कराया जाता है, तो F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे थे, इस प्रयोग से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। देखिए लंबापन बौने पर प्रभावी हावी था, तो विकल्प नंबर ये ए में हो गया। और फिर दूसरा देखेंगे तो एक जनक पौधा सम युग्मजी था और दूसरा विषम युग्मजी था, तो ये तो नहीं बनेगा। जनक पौधे विषम युग्मजी थे, यह जीनों के स्वतंत्र आव्यूहन को दर्शाता था। अब देखिए क्वेश्चन में कहा है कि पीले बीजों वाले तद्रूप प्रजनन वाले एक लंबे मटर के पौधे का संस्करण हरे बीज वाले तद्रूप प्रजनन वाले बौने मटर के साथ कराया जाता है, तो F1 पीढ़ी के में सभी पौधे लंबे थे, इस प्रयोग से क्या निष्कर्ष निकाला जाता है। लंबापन बौने पर प्रभावी हावी था, यानी कि यही निष्कर्ष निकाला जा सकता है। 329 का विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 330 नंबर, और दोस्तों आपको बता दूं कि 330 नंबर ये आज के इस पार्ट का ही हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको अभी तक मेरे द्वारा बताए गए सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो और ये सीरीज का कोई भी पार्ट किसी भी तरीके से समझ में आए और या अच्छा लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और साथ में दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। इसके साथ साथ दोस्तों आप अपने राय और सुझाव भी हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, और दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। दोस्तों इन सभी का लिंक आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। दोस्तों ग्रुप में जुड़ने से आपको कई प्रकार के बेनिफिट होंगे। पहला बेनिफिट दोस्तों इस बात का होगा कि आपको हर रोज का करंट अफेयर आपको हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप पे दे दिया जाता है। इसके साथ साथ दोस्तों यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई बुक वगैरह का पीडीएफ चाहिए तो मैंने ढेरों प्रकार की बुकों का पीडीएफ दोस्तों आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल के रखा है, वहां से जाकर के आप लोग अपनी मनचाही बुकों को वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। फिर भी दोस्तों यदि किसी बच्चे को कोई बुक नहीं मिल पा रही हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, आपको जल्दी से जल्दी उस बुक का पीडीएफ भी अवेलेबल करा दिया जाएगा। और दोस्तों आपको एक चीज और बता दूं दोस्तों, अगर आपको दोस्तों इस वीडियो का कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी पसंद आए तो आप प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। तो देखते हैं दोस्तों आज के इस पार्ट का हमारा अंतिम क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए दिया गया। कहा गया कि मेंडल के प्रयोगों में दो लक्षणों के बीच द्विसंकर संस्करण के परिणाम स्वरूप प्राप्त अनुपात कितना होगा। अभी आप पीछे इस क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं तो क्या अनुपात हम लोगों ने पढ़ा था दोस्तों देख लीजिएगा, 9:3:3:1 हमने पढ़ा था, 9:3:3:1 पढ़ा था। देख लीजिएगा ये अनुपात हमारा कहां पे दिया गया, ये अनुपात मौजूद है हमारा डी ऑप्शन पे, तो 330 का विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो होप्स दोस्तों आपको अभी तक मेरे द्वारा बताए गए सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके समझ में आए होंगे। चलिए दोस्तों अगले पार्ट में मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।